पश्चिम बंगाल में इन दिनों सियासी गदर मचा हुआ है। मचे भी क्यों ना, जब एक तरफ है बंगाल की सत्ता पर बैठी ममता बनर्जी, तो वहीं दूसरी तरफ है बंगाल में जड़े जमाने में जुटे मोदी और शाह। जब दो धुर विरोधियों के बीच सियासी जंग छिड़ी हो तो वार पलटवार से माहौल भी गर्माएगा ही। कुछ ऐसा ही हुआ 22 अप्रैल को, जब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे। बीरभूम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे शाह ने यहां इमाम और पुजारी का मुद्दा उठाकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले से ही मूर्ति विसर्जन पर रोक की वजह से बीजेपी के आरोप झेल रही ममता सरकार पर शाह ने इस बार इमाम और पुजारियों में भेद करने पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने रैली में कहा, अभी अभी ममता दीदी ने मस्जिदों के इमामों का भत्ता बढ़ाकर 2500 कर दिया और मुअज्जिन का भत्ता भी बढ़ाकर 1000 कर दिया। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इमामों का भत्ता बढ़ रहा है तो पुजारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही है? मित्रों, अभी अभी ममता दीदी ने इमामों का भत्ता मस्जिद में 2500 रुपया कर दिया, मोजील का भत्ता भी 1000 रुपया कर दिया। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बंगाल का खजाना इमामों पर मुअज्जिनों पर जितना बढ़ाना है बढ़ लुटाओ, मगर पुजारियों का भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई वो नहीं कर रही है, सिर्फ इमामों का कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी को, अगर इमामों का भत्ता बढ़ रहा है तो पुजारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही हो? ऐसा अन्याय चलेगा भाई? जरा जोर से बोलो, चलेगा? कब तक चलाओगे? एनआरसी अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर पहले ही ममता को घेरने वाली बीजेपी ने अब ममता को इमाम और पुजारी पर घेर लिया है। आपको बता दें, साल 2018 में ही ममता सरकार ने दुर्गा पूजा पर पंडालों के लिए 28 करोड़ का फंड जारी किया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के मुस्लिम संगठनों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन के महासचिव मोहम्मद कमीरुज्जमान ने ममता सरकार पर बरसते हुए कहा था कि दुर्गा पूजा के आयोजकों को अनुदान देने का फैसला लेने से पहले सरकार को इमामों के लिए वजीफा देना होगा। ममता सरकार मस्जिदों के इमाम को 2500 और मुअज्जिनों को 1000 रुपए महीना भत्ता देती है, जिसका फायदा प्रदेश के करीब 56,000 इमामों और मुअज्जिनों को मिलता है। अमित शाह ने इसी भत्ते को मुद्दा बनाते हुए कहा है कि बंगाल के पुजारियों को इस तरह के भत्ते क्यों नहीं मिलते हैं। पुजारियों के हक की बात करने वाले अमित शाह, इससे पहले ममता सरकार पर बंगाल के स्कूलों में उर्दू थोपने का भी आरोप लगा चुके हैं। आपको बता दें, 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम है और इस वजह से हिंदू वोटों की गोलबंदी बीजेपी के लिए मददगार हो सकती है, जबकि ममता सरकार पर भी मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के आरोप लगते रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बीरभूम वालों का ऐसा आवाज होता है क्या? अरे भाई, मोदी जी तक आवाज जाना चाहिए, बीरभूम में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ हाथ उठाओ, बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मंच पर मेरे साथ बैठे हुए, जिनके नाम से ही ममता दीदी की नींद उड़ जाती है, ऐसे हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, बीरभूम के लोकप्रिय प्रत्याशी दूध कुमार मंडल जी, भोलपुर के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी राम प्रसाद दास जी, जिला अध्यक्ष बीरभूम श्री रामकृष्ण राय जी, जिला के पर्यवेक्षक
श्री राजीव भौमिक जी, हमारे प्रदेश मंत्री श्री श्यामा प्रसाद मंडल जी, लोकसभा के पालक श्री रणदेव मजबूदार जी, बीरभूम लोकसभा के समन्वयक शुभांशु चौधरी जी, श्री अतनु चटर्जी जी, श्री काला सोना मंडल जी, श्री आशीष घोष जी, और आज इस पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले ये बीरभूम की पवित्र भूमि जहां रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, ये भूमि को मैं सत सत प्रणाम कर टैगोर जी को श्रद्धांजलि देता हूं। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता गुरुवर टैगोर, जिन्होंने यही भूमि पर शांति निकेतन को बनाया और पूरे विश्व के अंदर वीरभूम को प्रसिद्ध करने का काम किया, वो टैगोर जी को मैं सत सत नमन करता हूं। यही वीरभूम की भूमि पर मां तारा का निवास स्थान है, विश्व विख्यात तारा पीठ यहीं पर है। मां तारा को भी मैं सत सत प्रणाम कर मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। शक्तिपीठ तारापीठ के पास अलता गांव में संत बामा खेपा का जन्म हुआ और कहा जाता है मां तारा का भोग सबसे पहले श्री बामा खेपा को चढ़ाया जाता है। वो बामा खेपा को भी मैं प्रणाम करता हूं। देवदत्त सत्संग आश्रम के संस्थापक श्री श्री ठाकुर अकुल चंद्र जी को भी नमन करता हूं। और आज मैं एक बात याद करता हूं, रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक कविता लिखी थी, चित्त जेथा भय शून्य, मतलब जहां चित्त से भय शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊपर कर चल सके, जहां ज्ञान का मुक्त हो, ज्ञान की सीमाएं न हो, जहां दिन रात वसुधा को खंडों में बांटा न जाए, छोटे छोटे आंगन बनाए न जाए, ऐसी भूमि की कल्पना हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। मित्रों, जहां चित्त भय से शून्य हो, किसी को डर न हो, ऐसा बंगाल बनाना है तो ममता दी की सत्ता रहे बन नहीं सकता। ममता दी को उखाड़ फेंकने से ही भय मुक्त बंगाल बन सकता है। ये भय मुक्त बंगाल बनाने का संकल्प हम भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर आए हैं। मित्रों, ये बंगाल की टीएमसी सरकार ने तारापीठ के श्रद्धालुओं में भी बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया। तारापीठ का जुड़ा हुआ महाश्मशान, जहां अनेक साधकों ने अंतिम सांस ली, उसके आधुनिकीकरण के नाम पर ये पूरी परंपरा को हताहत करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। ये तो भगवान भला करे कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में गया और महाश्मशान को बचाने के लिए एक पीआईएल करी, आज महाश्मशान सुरक्षित हुआ है कोलकाता हाई कोर्ट के कारण। मित्रों, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो, ये महाश्मशान को चीर काल तक इस संस्कृति के अनुरूप बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, आने वाले दिनों में आप सबने
आप सबने लोकसभा में चुनाव में वोट देना है। लगभग लगभग 250 सीटों पर, लोकसभा की 250 सीटों पर मैं जाकर आया हूं। 4.5 महीने के अंदर हर जगह में गया, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर जगह पे जहां जहां गया वहां एक ही आवाज सुनाई पड़ती है, मोदी 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 मोदी।